नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के सामने हैं। आपको पता है आज स्टेट लाइब्रेरी के सामने जो है दोपहर के वक्त बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जहां एनटीसीसी के लीडर्स वहां पर पहुंचे और जो मेनलैंडर्स यहां पर जीटीटी के रिक्रूटमेंट के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आए थे और उन्होंने हैंड रिटन प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट किया था, उसके ऊपर वहां पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद आज वो यहां पर शाम को जो है डायरेक्टर एजुकेशन से मिलने आए और उनसे जो है कई देर बात की और बात करने के बाद जब वो बाहर आए तो वो सेटिस्फाइड दिखे। चलिए जानते हैं डायरेक्टर से उनका क्या बात हुआ और उनको क्या एश्योरेंस जो है डायरेक्टर ने दिया। देखिए, आज हम लोग डायरेक्टर साहब से गया है कि कुछ शिकायत लेके बच्चे लोग को क्या कुछ इश्यूज को हम लोग को नॉलेज में आया, उसके बारे में डायरेक्टर साहब से बात किया। डायरेक्टर साहब ने विस्तार से हम लोग को बताया कि क्या प्रोसीजर है, किधर किधर चेक रखा, किधर किधर काउंटर चेक रखा। और आज कुछ हमको मालूम हुआ कि आज कुछ हमको मालूम हुआ कि डायरेक्टर साहब ने जो हमको विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया कि अंडमान का बच्चों लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितना पीएसटी का बात है, जनवरी 15-16 के अंदर में दोबारा वो निकालेंगे। जीटीटी का जो प्रोसीजर है मेरा हिसाब से सही चल रहा है। देखिए, कुछ लोग बाहर से आ रहा है, परसेंटेज हम पहले भी बोला था आपके इंटरव्यू में, आउट ऑफ 197 बच्चा हमारा इधर में नौकरी ले रहा है, ठीक है। उसका एक इन लोग चेक एंड बैलेंसेस कर रहा है जो गवर्नमेंट का जो लॉ के अंदर में, जो रूल के अंदर में चेक एंड बैलेंस कर रहा है, जिसमें बच्चा लोग शायद मेनलैंड का बच्चा लोग कमती आएगा, ये हमारा उम्मीद है। नहीं नहीं, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी कुछ लिस्ट अभी हमको दिखाया जिसमें 59 था, 59 में खाली 3 बच्चे लोग बाहर का क्वालिफाई हुआ, फिर उन लोग आके ज्वाइन करना वो सब। देखिए, हम प्रोटेस्ट करना क्योंकि हमारा जो मकसद है 100% जॉब फॉर आइलैंडर्स, इसको हम कैसा भी हम प्रोटेस्ट भी करना, प्रोटेक्ट भी करना। ये प्रोटेक्ट करने का जो लीगल सैंक्चुरी है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सर, ये आज जो आपको स्क्रूटिनी का जो प्रोसीजर डायरेक्टर ने बताया, उससे कितने सैटिस्फाइड है? क्या वो प्रोसीजर आपको सुन के लगा कि आइलैंडर्स के फेवर में है? हमको जरूर लगा। संजीव भाई, ये बात बोलो ना आप तो मेन। देखिए, आज सवेरे हम लोगों ने स्टेट लाइब्रेरी को जाके हम लोगों ने देखा कि बाहर से जो लोग यहाँ पे आए थे और रिटर्न जो लगा माइग्रेशन, वो लगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो लगा मार्कशीट, वो सब हैंड रिटर्न जो लेके आए थे, उस मैटर में हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। हम लोगों ने आपके मीडिया के माध्यम से आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले बच्चों का तकलीफ को आप प्रशासन हम लोग पहुँचाए। अब डायरेक्टर साहब ने हम लोग को बुला के बात किया है, जो मेलन के लोगों का जो मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसका 3 दफा हम लोग 3-4 दफा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, स्क्रूटनी होगा, उसके बाद जो एलिजिबल होगा वो एलिजिबल होगा। अगर एक भी मेलेंडर अगर डुप्लीकेट फॉर्म जमा किया है उसके बाद FIR भी करवाएगा, उसमें जेल भी भेजाएगा। अगर प्रशासन का रिक्रूटमेंट में कोई भी धांधली करने चाह वो बचने वाला में से नहीं है, इस प्रकार का प्रशासन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे जो जद्दोजहद हम देखा है, आप लोग का साथ में हुआ है, सबका सामने हुआ है, जो हमारे मिलन से बच्चे यहाँ पर आया है और उसके साथ में जो हमारा यहाँ का बच्चे लोग का साथ में टसल का बात था कि भाई वो हमारा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करके जो है हमारे बच्चों का नौकरी छीन के लेके जाएगा, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। क्योंकि हमने डायरेक्टर साहब ने हमारे यहाँ पे बुलाया और बारीकी से हम लोग को भी समझाया, देखा है कि भाई 3-4 बार जो है ये क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, ये विदाउट वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे कमिटी रहेगा, कमिटी द्वारा इसमें वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग भी मान लिया कि भाई ऐसा अगर हमारा ही यहाँ पे ऑफिसर है, हमारा सब कुछ है, होता हुआ भी ऐसा काम तो इस लोग नहीं करेंगे। और हमारा यही उम्मीद रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि ज़्यादातर जो हमारा यही का बच्चा को, जो हमारा मुहिम हम लोग छेड़ा पहले से ही कि हमारा अंडमान का बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, हमारा यही का बच्चों को नौकरी होना चाहिए, बाहर का बच्चों को नहीं है, तो ज़रूर ये प्रशासनिक जो हमारा अधिकारी है वहाँ जो बैठा है
वो जरूर हमारा आवाज को सुनेगा और इस पर वो जो है कायम रखेगा। धन्यवाद।